टाइगर आप जरा हट गया है टगरी बंगले का आखिरी नाश्ता। कपड़े मजे के। ये जी टगरी बंगला से हम न्यू टगरी बंगला देखने जा रहे हैं। इससे 2-3 मिनट की राइड है, सॉरी वॉक है। ये है जी न्यू डगरी बंगला। कल हम थक बहुत गए थे, इसे यहाँ नहीं आ सके, इसलिए आ जाए। ये जी डगरी बंगला के खूबसूरत फूल, और वो सामने ओल्ड डगरी बंगला। ये जी ड्रोन उड़ान लगे भाई, कर दो यार साड़ा। जी पानी का चश्मा है, उसकी तरफ जा रहे हैं अब हम। मौसम भाई कितने मिनट का रास्ता है इधर से? हार्डली 15 मिनट। अच्छा एक अब आपको मैं बता दूं कि डगरी में जब भी आएँ आप, यहाँ सबसे अहम जो मसला होता है पानी की दस्तियाबी का, तो आते हुए तो जो आम मारूफ रास्ता है वो यही है, ये जिधर से आप आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर से गुजर के आप वो डगरी पहुँच गए, पानी लेने के लिए वापस बाहर निकलना है, तो अब यहाँ फिर वापस इसी पॉइंट पर पहुँच जाएँ। वापसी का रास्ता तो वो है, मगर पानी के लिए ये वाली साइड। अब पानी के लिए यानी डगरी से निकल के लेफ्ट साइड पे ऊपर ऊपर चलते जाएंगे हम। यहाँ से कोई मैक्सिमम 12-14-15 मिनट की वॉक है, चलो वहाँ पानी तक जाते हैं फिर। अच्छा अब पानी के लिए ट्रैक ये जा रहा है ऊपर, ठीक है? है एक वो नीचे रास्ता भी जा रहा है वहाँ, वो नीचे वो इन दरख्तों के पीछे है, थोड़ा सा आगे जाएं 2 मिनट की वॉक है, वहाँ पे रेड कलर की एक छत आपको नजर आती है, वो नया डगरी बंगला जो वो देखा है हम। जी हाँ वो है ना, मतलब कंफ्यूजन ना रहे कि नीचे नहीं जाना, यहाँ इसी ट्रैक पे रहना है। पानी की तलाश में, पानी के इस चश्मे तक डगरी बंगला से राउंड ट्रिप ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का है। तो ये देखें हमारे गाइड इंतज़ार कर रहे हैं इधर, ताकि हमें आके लेके जा सकें। अच्छा यहाँ पे एक फिर डाइवर्जन आता है, ये आप जहन में रख लें। एक ये रास्ता जा रहा होता है यहाँ पे पानी के पास, तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक रहती है जब, तो यहाँ एक डाइवर्जन ये आता है, एक रास्ता ये लेफ्ट जा रहा है, इस साइड पे आपने नहीं जाना होता, आपने सीधा नीचे उतरते जाना है राइट साइड पे। जी हाँ ये रास्ता किधर को जा रहा है? ये नीचे उतर ही है, ये जो नया डगरी बंगला, नया डगरी बंगला, और फिर उससे आगे गांव, उससे आगे जा रहा है। ठीक है, और ये राइट पे आपने उड़िया ना? जी हाँ पानी का सोर्स राइट पे है, ये पानी का चश्मा आ गया जी। डगरी पे पानी का वाहिद सोर्स है, ये डगरी पे पानी का वाहिद सोर्स है, तो आपको इतनी दूर पैदल चल के आना पड़ता है, तो इससे पानी बहुत एहतियात से यूज करें,
जहाँ मुमकिन हो वाइप्स यूज़ करें और पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको इतना लंबा राउंड ट्रिप लगाना पड़ेगा। यह है जी पानी का चश्मा, उन्होंने समाओ एक बनाई हुई चीज़। ये देखें जी लफाफे, रैपर्स, ये इकट्ठे करके तो इनको आप फेंकें। इससे गंदगी भी साफ होगी। ये देखें एक बैग तैयार कर लिया करें, इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दें। गगनी बंगला से वापसी का सफर रेडी है, सारे तैयार है। वैसे भाई अब कर से आवाज़ आ वैसे किधर जाना हमने? अब हमने बीरन गली के लिए निकलना है। यहाँ डिग्री से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड पे आगे निकल जाएंगे। तो कितना सफर है? ऑलमोस्ट कोई 5 घंटे लगेंगे। सफर किलोमीटर कितने? तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर तकरीबन। 14-15 किलोमीटर का तकरीबन, ये 14-15 किलोमीटर का ट्रैक है बीरन गली का। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ सफर स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ खाते जाएंगे। क्या ट्रैक स्टार्ट हो गया है, सारी टीम पीछे आ रही है, अदील भाई आगे चल रहे हैं। यहाँ से हमने राइट नहीं होना, लेफ्ट को जाना है। बेरन गली की तरफ रास्ता जा रहा है डगरी बंगला से, छोटा होकर आ रहा है पीछे अमेजोन की तरह का ही है। डगरी बंगला से बेरन गली का जो फासला 15 बंदे चुपका भी जितनी जा रही है। देखें जी ऊपर से बादल, तकरीबन हम बादलों के लेवल पे आ गए अब, और फवार गिर रही है। डगरी से बेरन गली रास्ते में एक ओपन एरिया आ गया है और उसमें देखें बादल मूव कर रहे हैं। हम अपने टीम के साथ जा रहे हैं जी। मौजम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये डेरा लाल खान, ये क्या जगह है? नहीं यार, डेरा लाल खान भाई, ये कौन सी जगह? डेरा लाल खान बहुत प्यारी जगह। अच्छा यहाँ रुके, अब मुझे ये पता करना पड़ेगा मैं कैमरा कहाँ फेंक गया। सर ये सामने कश्मीर वाली साइड है जी? हाँ वो कश्मीर वाली साइड आ जाए। वो सामने, ये जी सामने कश्मीर है जहाँ से बादल उठ उठ के ऊपर आ रहे हैं। ये हमारा सामान जा रहा है। आई मलाई। अच्छा ये डेरा लाल खान है सर, इधर भी कैंपिंग हो सकती थी ना? बाकी टीम मेंबर्स भी आ गए। लाल खान से हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है। आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, आगे जा रही है और ये नीचे से देखते हैं रास्ता पति।
मुंबई जा रहे हैं, तो हमारी फोटो लेंगे आप। हमारी टीम आ रही है, ये दो रेस्ट कर रहे हैं। शहजाद साहब भी आ गए। जा रही है, हम टाइगर अब जरा थक गया है, तो अब अपने फादर के कंधों पे सवार है। टाइगर ये क्या देख रहा हूं मैं, व्हाट इज दिस, ऊपर देखो। खूबसूरत से चश्मे के पास पहुंच गए। ये बेरंगली, ये हाँ जी है, ये सामने जो घर नजर आ रहे हैं, ये बेरंगली है जी, ये बेरंगली अब हम पहुँचे हैं। नहीं जी, बेरंगली बाजार तक हमारे कोई 8-10 मिनट लगेंगे, जहाँ गाड़ी खड़ी है। अच्छा, ये अब गांव शुरू हो गया, बस ये मोड़ जो है ना। अच्छा, ये जी इस मोड़ के बाद बड़ंग गली का गांव शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 8-10 मिनट की वॉक है, फिर हम गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। ये जी आखिरकार 4.5 घंटे के बाद हम बेरंग गली के गांव पहुंच चुके हैं। हालात आपको नज़र आ ही रहे, वो पीछे आ रही है कुछ टीम और वो दो आगे जा रहे हैं। ये अब हम बेरंग गली के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं जी, हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। बेरंग गली का बाज़ार आने वाला है, ये जी हमारी गाड़ी हमें नज़र आ गई है, और सामान भी पड़ा हुआ है, वहाँ जाके कुछ चेंज करेंगे और फिर गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद पिंडी। ये जी गाड़ी और वो है हमारा सामान। ये जी बेरंग गली से गाड़ी में बैठ के आ सकते हैं।